Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. Now we are going to start off our discussion with the basic concepts related to nutrition. यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो kingdom plantae और kingdom animalia के sections हमारे अभी तक pending है, तो अभी चूंकि जो लास्ट टू लेक्चर से लाइक दे वर टू लेंथी एंड दे वाज टू मच इंफॉर्मेशन टू होल्ड, इसलिए मैंने थोड़े से इजियर सेगमेंट्स को चूज किया है आज की डिस्कशन के हवाले से. तो इंशाल्लाह जो प्लांट और एनिमेलिया है इनको भी मैं लाइक नेक्स्ट वीक के अंदर कवर कर दूंगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ अगेन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Our today's topic is basic concepts related to nutrition. So you've seen here कि जो ये जो area है exam के लिए बस ये medium yield है. Just कुछ अहम बातें हैं जो कि मैं इस subsection के through आपको बताना चाहता हूँ. See here, first of all we have got the nutrient. अब nutrient क्या है? Any substance which provides elements for metabolism. एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स एंड विटामिंस ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. खुद से ये हमें एनर्जी नहीं देते, एटीपी नहीं देते, लेकिन ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इसेंशियल होते हैं. और न्यूट्रिशन क्या है फिर? ये तो अभी तक हमने न्यूट्रिएंट को डिस्कस किया. व्हाट इज न्यूट्रिशन? सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. जिसमें दो बातें आती हैं, सारे के सारे प्रोसेसेस जो कि टेकिंग इन और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड में इन्वॉल्व है, हम कलेक्टिवली उन सारे प्रोसेसेस को क्या देते हैं, ये न्यूट्रिशन है. अब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. राइट, यू सीन हियर वी हैव गॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसमें अगर आप देखें तो यू सीन हियर कि वी हैव गॉट द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड वी हैव गॉट द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. अब जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. राइट, सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. ये है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दे कैन एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली इन इनऑर्गेनिक एनवायरमेंट. देखें, लिविंग थिंग्स के अंदर तो ऑफकोर्स ऑर्गेनिक जो एंटिटीज है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होने ही होने. लेकिन अब अगर अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के काबिल है, राइट, तो हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है. राइट, और इसीलिए वो इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है. इसके मुकाबले में द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दे आर इनकैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ये सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नहीं बना सकते. राइट, तो दे ऑब्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो ये एनवायरमेंट से फूड की शक्ल में ऑफकोर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देंगे, जो कि खुद से तो ये बना नहीं सकते. राइट, सो ये कुछ बेसिक सी बातें थी रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. दैट्स ऑल अबाउट दिस सबसेक्शन. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नूर फातिमा. आई स्कोर 176 मार्क्स बाय 200 इन नेशनल एंडीकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी. दिस इज रियली बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग ऑन मी एंड माय टीचर्स एंड माय पेरेंट्स. I joined it top grade a month before the exam and it was very good adventure. It helps me a lot. Actually, it makes me perfect. It makes well aware of your abilities और जो आपकी खामियाँ होती हैं वो थ्रू आउट द सेशन वो उनको हाईलाइट भी करते हैं और ऑफ कोर्स उनको ख़त्म भी करते हैं. एंड स्पेशली देयर काउंसलिंग सेशन वर वेरी सपोर्टिव बिकॉज उन्होंने आपको पहले से ही गाइडलाइन दी होती है कि आपको पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, अपने प्रेशर को हैंडल कैसे करना है. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट important thing and I honestly recommend all of you to join this because I was very satisfied with this.